13 अक्टूबर 1911 में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि अशोक कुमार मुंबई टेक्नीशियन बनने आए थे, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। किसने सोचा था कि वह एक दिन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। बिहार के भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था। दरअसल अशोक कुमार के बहनोई शादर मुखर्जी मुंबई में बॉम्बे टॉकीज में ऊंचे ओहदे पर थे, जिसके चलते बिना ज्यादा स्ट्रगल के अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट का काम मिल गया। बता दें कि साल 1936 में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म जीवन नैया बन रही थी, लेकिन फिल्म के शूट शुरू होने के पहले ही लीड एक्टर्स देविका रानी और नजमुल हसन के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गए, जिसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर हिमांशु राय ने नजमुल की जगह कुमुदलाल यानी कि अशोक कुमार को फिल्म का ऑफर दिया। फिल्म निर्देशक की नाराजगी के बाद भी हिमांशु ने उन्हें फिल्म में मौका दिया और उनका नाम बदलकर अशोक कुमार रख दिया। तो इस तरीके से शुरू हुआ अशोक कुमार का फिल्मी सफर। साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत ने अशोक कुमार की किस्मत ही बदल दी। हर तरफ फिल्म और अशोक कुमार के चर्चे होने लगे और वो हर किसी की पहली पसंद बन गए। बता दें कि उस दौर में किस्मत ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी।